नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर, निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको समास इत्यादि सब बता दिया है, अब लेके चलते हैं आपको रस के बारे में बताते हैं। रस क्या है? सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, रस है क्या? आप जानते हैं कि जैसे फलों के रस का आस्वादन करने के पश्चात हमारे मन में जो अनुभूति उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है? रस। अर्थात इसी तरह से जैसे आप काव्य पढ़ें या देखें या सुन करके आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और सभी अनुभूतियों में जो श्रेष्ठ अनुभूति है वह है आपका क्या? आनंद की अनुभूति। इसीलिए रस का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह उसे कहते हैं आनंद की अनुभूति। कभी पूछ लिया जाए रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद की अनुभूति। रस की परिभाषा कभी पूछे तो काव्य को पढ़कर सुनकर या देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है या मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं या जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही रस कहा जाता है। रस के बारे में कहा जाता है कि रस संप्रदाय कुल 6 थे। आपसे डिटेल नहीं पूछता है। रस संप्रदाय के जनक, रस संप्रदाय के जनक आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि ने की रचना है नाट्यशास्त्र, इस नाट्यशास्त्र में इन्होंने जो रस की परिभाषा दी है जरा ध्यान दीजिएगा, रस की परिभाषा में इन्होंने कहा विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है, तो ध्यान दीजिएगा, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव। आपके एग्जाम में आपको बता दें, एक बार प्रश्न आया था MPSI में कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किस भाव का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, उन्होंने रस की परिभाषा में विभाव का नाम दिया है, अनुभाव का दिया है, संचारी भाव। संचारी भाव को दूसरे शब्दों में व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगर अब कभी पूछ लिया जाए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किस भाव का उल्लेख नहीं किया है, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा में, और कहीं नहीं, रस की परिभाषा में, नहीं तो वैसे तो उल्लेख किया है लेकिन रस की परिभाषा में स्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। कभी एग्जाम में पूछे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है, तो किस भाव का उल्लेख नहीं किया है रस की परिभाषा में, तो स्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। विभाव का उल्लेख किया है, अनुभाव का, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव का। अब लेके चलते हैं दोस्तों आपको रस के अंग की तरफ। रस के अंग अर्थात रस का निर्माण जिनसे होता है, रस का निर्माण में चार भूमिका निभाते हैं, इसलिए रस के चार अंग हो जाते हैं। कौन कौन से हैं आपके? नंबर एक है स्थाई भाव, नंबर दो है आपका विभाव, नंबर तीन है आपका अनुभाव, नंबर चार है आपका संचारी भाव
या व्यभिचारी भाव। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले रस के कुल कितने अंग होते हैं, तो रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब एक एक भाव को हम डिटेल करते हैं कि स्थायी भाव है क्या, इनकी कुल संख्या कितनी है, भरत मुनि ने कितनी मानी, विभाव क्या है, विभाव के कुल कितने भेद हैं, अनुभाव क्या है, अनुभाव के कुल कितने भेद या संख्या है, संचारी भाव क्या है, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, इत्यादि चीजें। तो लेके चलते हैं दोस्तों रस के अंग में सबसे पहले स्थायी भाव की तरफ। स्थायी भाव की तरफ स्थायी भाव आपको बता दे दो तो स्थायी भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, परमानेंट फीलिंग्स, स्थायी फीलिंग्स, ऐसे भाव जो प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे मन में बने रहे। अर्थात हम काव्य को पढ़ें, सुनें या देखें तो हमारे मन में वह अनुभूति जो शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रहती है। जैसे आप सिख चिल्ली की कहानी पढ़ते हैं तो शुरुआत से ही जब पढ़ते हैं आप दो तीन लाइन तो आप क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो धीरे 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 ये मुस्कुराने की प्रवृत्ति आपकी, आपके मन में हंसी का जो भाव है वह बना रहता है और अंततोगत्वा अंत तक वह भाव आपके मन में बना रहता है। मान लीजिए कोई करुण रस का प्रसंग है, कोई ज़्यादा शोक कर रहा है, तो ऐसी दशा में आपके मन में भी जब उसको पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे तो आपके मन में भी वह करुणा का भाव आता है। तो वह भाव जो प्रारंभ से लेकर अंत तक आपके मन में बना रहे क्या कहलाता है, स्थायी भाव। मतलब वे भाव जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मन में बने रहें उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक मन में बने रहते हुए क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव। और आपको बता दें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की कुल संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की कुल संख्या 8 मानी है। जब स्थायी भाव 8 होंगे तो रस भी बराबर, अर्थात रसों की कुल संख्या बराबर 8। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। अर्थात भरत मुनि के अनुसार कभी पूछ लिया जाए, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। स्थायी भाव कुल कितने हैं, 8 हैं। जब स्थायी भाव 8 होंगे तो रस भी 8 होंगे। कौन कौन से होंगे तो चलिए इसी बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। रस का नाम एक साइड में लिख दे रहे हैं। अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। रस का नाम स्थायी भाव। रस के नाम में पहला है आपका श्रृंगार रस। वर्तनी बहुत पूछता है, ज्यादातर बुटीक पार्लर वाले श्रृंगार लिखते हैं या रंग होता है, श्रृंगार न होकर के श्रृंगार होता है। इसलिए दोस्तों जरा ध्यान में रखिएगा कि जो शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार है, न कि श्रृंगार, याद रखिएगा। ये जो बनता है श और री से बनता है, अगर इसमें र लगा देंगे तो वह गलत हो जाता है। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से यह सही होता है या गलत होता है। तो चलिए पहला रस है आपका श्रृंगार रस। सौंदर्य आदि का जब प्रसंग चलता है तो हमारे मन में कैसी फीलिंग्स आती है, कोई सजता क्यों है, कोई श्रृंगार क्यों करता है, क्योंकि किसी के मन में प्रेम की भावना जगाने के लिए, किसी के मन में अपने प्रति अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे आप देखें आप श्रृंगार रस का इसीलिए स्थायी भाव होता है प्रेम।
और यह प्रेम नायक नायिका का प्रेम होता है, हीरो हीरोइन वाला। दूसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस जब हंसी मजाक का प्रसंग चलता है उसको सुनकर पढ़कर या देखकर हमारे मन में कैसे भाव आते हैं, हंसी के आते हैं, इसलिए हंसी मतलब हास, याद रखिएगा। इसी के तरह समोच्चारित शब्द है ह्रास। हास मतलब हंसी होता है लेकिन ह्रास मतलब कमी होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो हास, हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास मतलब हंसी। इसी तरह से नेक्स्ट रस है करुण रस। जब कोई किसी से अलग हो जाए और मिलने की पूरी आशा समाप्त हो जाए, तनिक भी आशा न रहे, तो याद रखिएगा वहां कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। तो वहां पर प्रेम न हो करके शोक होता है, इसलिए याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, मिलने की आशा नष्ट हो जाती है। जब मिलने की आशा बनी रहेगी तो दोस्तों याद रखिएगा प्रेम बना रहता है, तब वहां पर श्रृंगार ही होगा। लेकिन अगर मिलने की आशा नष्ट हो जाए तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर आपका करुण रस होगा। इसके बाद आता है वीर रस। वीरता की बात चलती है तो आपके मन में एक जो फीलिंग्स आती है उसे ही क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसके बाद आता है आपका भयानक रस। भयंकर चीज को देखकर आपके मन में, डरावनी चीजों को देखकर आपके मन में जो भाव आता है वह कौन सा भाव आता है, कौन सी फीलिंग्स आती है, भय या डर की। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका विभत्स रस। विभत्स रस एक दो तीन चार पांच छ, विभत्स रस, छत विछत कटी फटी सड़ी गली चीजों को देख करके मन में जो निंदा या फिर घृणा के भाव आते हैं उसे ही कौन सा रस कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दोस्तों आपको इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है निंदा, जुगुप्सा मतलब निंदा। इसी को दूसरे शब्दों में घृणा भी कहते हैं। सातवां रस है आपका रौद्र रस। रौद्र शब्द जो बना है रुद्र देवता से बना है, रुद्र शिव जी का पर्यायवाची है, सहज क्रोधी रूप है, इसलिए रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वह क्रोध होता है। ध्यान दीजिएगा ये सब जो नाउन है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अर्थात भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। इसके बाद आठवां रस है आपका अद्भुत रस। आश्चर्यजनक चीजों को, डिस्कवरी इत्यादि चीजों को, सरप्राइज वाली चीजों को देख करके या पढ़कर या सुनकर आपके मन में जो भाव जगता है वह अद्भुत रस का होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है दोस्तों वह आश्चर्य होता है, इसे ही दूसरे शब्दों में विस्मय भी कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि भरत मुनि के अनुसार जो आठ रस माने गए यही हैं। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल आठ। बाद के आचार्यों ने, मम्मट इत्यादि ने एक नौवें रस की कल्पना की। नौवां रस है आपका शांत रस। महाभारत इत्यादि में उपदेश परक वाक्य अधिक हैं। जब भी उपदेश परक वाक्य होता है तो वहां शांत रस होता है। शांत रस से होता क्या है, हमारी इंद्रियां क्षण भर के लिए सांसारिक मोह माया से क्या होती है, विमुख होती हैं। अर्थात हम अपनी इंद्रियों पर कुछ क्षण तक क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना ही कहलाता है आपका क्या, निर्वेद। इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है निर्वेद। और आपका दोस्तों इंद्रियों का दमन करना, इच्छाओं को बिल्कुल नष्ट कर देना कहलाता है शाम। इसी को वीतराग भी कहते हैं, वैराग भी कहते हैं। इस तरह से शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम या वीतराग या वैराग है। और आपको बता दे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, इतने से संतुष्ट न होकर बाद के आचार्यों ने दसवें रस की कल्पना की।
दसवां रस आपका जो है दोस्तों वह है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, पुत्र इत्यादि, पुत्री इत्यादि, संतान इत्यादि के प्रति माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम जो आता है वह किस रस के अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत। और यह प्रेम, यहाँ पे भी प्रेम है लेकिन यहाँ पे भी प्रेम है, तो वात्सल्य का प्रेम पुत्र इत्यादि, भाई बहन इत्यादि के प्रति प्रेम होता है। और श्रृंगार रस वाला जो प्रेम होता है या नायक नायिका या हीरो हीरोइन वाला प्रेम होता है, तो वात्सल्य रस में पुत्र इत्यादि के प्रति, पुत्र आदि के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। इसे ही दुलार, स्नेह, वत्सलता इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ग्यारहवां रस जो है आपका दोस्तों भक्ति रस। भक्ति रस आपका ग्यारहवां जो रस है वह है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या होता है आपको बता दें, ईश्वर के प्रति जो प्रेम आता है इसमें भी प्रेम होता है इसका स्थायी भाव, लेकिन यह किसके प्रति है? ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति। और आपको बता दें इस तरह से आपने देखा प्रेम तीन तरह का हुआ, एक नायक नायिका, एक पुत्र इत्यादि संतान इत्यादि के प्रति प्रेम, एक ईश्वर के प्रति प्रेम। तो याद रखिएगा मीरा का प्रेम भक्ति रस वाला था और राधा का प्रेम श्रृंगार रस वाला था, तो याद रखिएगा दोस्तों। और कभी आपके एग्जाम में अब पूछ ले कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बता दें रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या बराबर दोस्तों नौ ही बताइएगा, इसीलिए कहा जाता है नव रस, नौ रसों का समूह। फिर प्रश्न उठा ये दसवां ग्यारहवां रस कहाँ गए, तो आपको बता दें ये दोनों आपके चले जाते हैं श्रृंगार रस में। क्यों? क्योंकि श्रृंगार से सजा धजाने से पुत्र के प्रति भी प्रेम क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आपको देखें आपके घर में दो संतान हो, एक संतान थोड़ा सा नाक वाक ज़्यादा बहाता हो और एक संतान ऐसी है जो सज धज के पाउडर लगा के निकाय बैठा रहे, और अगर आपको कहें चुम्मी ले लें तो आप किस बच्चे का ज़्यादातर लेंगे? जो नाक बहा रहा हो? नहीं, आप किसका लेंगे? जो सज धज के बैठा है। इसका मतलब पुत्र के प्रति भी प्रेम जो बढ़ा है आपका किसके कारण? वात्सल्य, मतलब आपका श्रृंगार के कारण, इसलिए वात्सल्य रस भी श्रृंगार के दायरे में आ जाता है। और आप देखें इस समय 3D का ज़माना है, जितना ही मंदिर मस्जिद आपका जो है, जितने भी तीर्थस्थल हैं गुरुद्वारे इत्यादि, जितना ही उसका डेकोरेशन किया जाता है लोगों की आस्था उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए श्रृंगार से ईश्वर के प्रति आस्था भी प्रगाढ़ होती है हमारी, इसलिए ये दोनों रस चले जाते हैं कहाँ पर? श्रृंगार रस के अंतर्गत। इसलिए कभी एग्जाम में पूछा जाए रसों की कुल संख्या कितनी है, तो नौ है, नौ रस। और कभी एग्जाम में पूछे भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या, तो आठ बताइएगा। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना? शांत रस को रस नहीं माना, शांत रस को रस के रूप में नहीं स्वीकार किया, इसलिए भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या आठ मानी है। लेकिन एग्जाम में पूछे आपसे कि रसों की कुल संख्या कितनी है? नौ। जब भरत मुनि का नाम दे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, तब आप बता दीजिएगा आठ। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको स्थायी भाव बता दिए, अब लेके चलते हैं आपको विभाव की तरफ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।